कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे जूनियर और बंगाल सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत के साथ ढाई घंटे तक बैठक की, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि बैठक में हमने हमारी मांगों को लेकर बातचीत की। बातचीत के दौरान हमें लगा कि उन बातों पर सहमति बन रही है, लेकिन जब लिखित में जवाब मांगा गया तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन था। मौखिक तौर पर हमें आदेश जारी करने की बात कही गई है और तब तक हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम इंतजार करेंगे और जब तक ये बातें साफ नहीं होती तब तक हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मीटिंग में तो हमने बहुत डिटेल में हमारा जो डिमांड्स था, जो हम कहते आ रहे हैं, जो पूरा नहीं हुआ है, जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हम ताकि सीज़ वर्क से वापस हो सकें, बहुत ज़रूरी डिमांड्स, तो उनको लेके हमने बात किया। बात करने में हमें बात करते करते लगा कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों पे सहमति आ रही है, ठीक। लेकिन जब वहीं पे उसको लिखित तौर पे देने की बारी आई मिनट्स के फॉर्म में, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन था। और जो हम जैसा मिनट्स चाहते थे कि जिन चीज़ों पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं वो भी लिखिए, जिन चीज़ों पर बात हुई है वो भी लिखिए, तो वैसा मिनट्स हमें नहीं मिला। सिर्फ हमें ऐसा एक नॉर्मल मिनट्स नहीं मिला, मिनट्स हमें सिर्फ ऐसा ही मिल रहा था कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो इन पे बात हुई है। हम चाहते थे कि एक मिनट्स हमें जो अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, जिस जो पिछला क्या कहते हैं मिनट्स था मुख्यमंत्री जी के साथ, वैसा मिले ताकि लोगों के सामने क्लैरिटी आए। तो ये ऐसा ही हो गया कि मौखिक तौर पे हमें बोला गया है और कहा गया है कि हम जल्द से जल्द ऑर्डर निकालेंगे या डायरेक्टिव निकालेंगे, तो हम इस चीज़ का अब इंतज़ार करेंगे। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम सीज़ वर्क को कंटिन्यू करें और यहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती।